हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम एचपी जीके की टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है दियो टिब्बा, रियो फरग्याल या शिला। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन मिसप्लेस हो गया है। तो इसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा आता है? शिला सबसे ऊंची है। और ये कितनी है? 7026 पहले थी, अब है 7026। नेक्स्ट हमारा आता है, चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तांदी, उदयपुर, झालमा, कोकसर। तो चंद्र और भागा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं तांदी नामक। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ? केलांग, डलहौजी, मनाली, धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है धर्मशाला मासिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से जिले में है? सिरमौर, चंबा, कुल्लू, ऊना। तो ये आपका है कुल्लू में, जिसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाज समरेश जंग ने कॉमनवेल्थ 2010 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसने जीते थे दो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो यह आपका किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी गोविंद सागर, और अगर प्राकृतिक पूछी जाए तो रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्यास नदी किस जिले से संबंधित नहीं है? ऊना, कुल्लू मंडी, कांगड़ा। तो ये आपकी ऊना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कुगती वन्यजीव विहार जो है किस जिले में है? चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, चंबा। किस जिले में नमक की खाने हैं? मंडी। कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल किस फसल की कुफरी ज्योति कहा किस फसल को जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी आलू की। नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति जिले में कुल कितने भाग में कृषि की जाती है? तो 1% से भी कम। नेक्स्ट इज, कौन सी नदी प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी। तो यहाँ पे झेलम आएगी आपकी, जो पीर पंजाल से प्रवाहित होती है। निम्न में कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री नहीं है? अंब, गगल, बरमाना, राजबन। तो ये आपकी गगल। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री, तो ये हैं आपके किशन कपूर। बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेखक कौन हैं? यह आपके आनंद चंद। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह आता है आपका लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये हो गया लाहौल स्पीति। प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक और कम कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपके सर्वाधिक हमीरपुर और सबसे कम चंबा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह आपका पालमपुर, कांगड़ा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 25 जनवरी 1971 को। प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है, जयवंत राम। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश कितनी रियासतों में विलय हो गया? 30। हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता हमीरपुर में सबसे अधिक है और चंबा में सबसे कम। नेक्स्ट इज, 8वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्म संभव कुछ समय के लिए कहाँ रहे? तो ये रहे आपके रिवालसर में। आपको पता ही है रिवालसर को तीन धर्मों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, सिख, बौद्ध और हिंदू। क्लियर?
और पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पे चेशु मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कुट क्या है? तो कुट एक दवाओं में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की बूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1948 में हिमाचल प्रदेश में कितनी सड़कें थी? तो ये आती हैं 228 किलोमीटर। ओके 228 किलोमीटर ना, बाई मिस्टेक दूसरे वाले बोलोगे। नेक्स्ट इज हाटकोटी मंदिर किस जिले में है? तो हाटकोटी मंदिर आपका है शिमला में, एग्जैक्टली शिमला रोहडू में। नेक्स्ट आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है आपके शिमला में। नेक्स्ट इज बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश में कब मिला? तो ये मिला था आपका 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट इज 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश संघ का कौन सा राज्य बना? तो ये बना था आपका 18वां राज्य। नेक्स्ट है पांवटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारे किस गुरु से संबंधित हैं? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पझौता आंदोलन कौन से जिले से संबंधित है? मंडी, ऊना, चंबा, सिरमौर। तो ये आपका सिरमौर से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा महल मौर्य नामक ऐतिहासिक ग्रंथ जहाँ पे संसार चंद एवं गोरखा राजाओं के बीच युद्ध हुआ वो कहाँ स्थित है? तो वो आपकी हमीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है महाभारत के युद्ध में कांगड़ा किस कटोच वंश राजा ने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लिया था? तो ये लिया था सुशर्म चंद्र ने। नेक्स्ट इज मंडी नगर की स्थापना 1527 में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी अजबर सेन के द्वारा। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा 1025 में? तो ये लूटा था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट इज प्रदेश में अनार्य राजा शामवर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? तो इसका दीवोदास के साथ बहुत बार युद्ध हुआ था, शानशर का दीवोदास। जिस केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ से थे? दोबारा आ गया शिमला में। बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश में कब मिला? ये आपको बताया 1 जुलाई 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी नदी ब्यास ब्यास की सहायक नदी है? तो मानखुर्द जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? तो ये आपका आता है हमीरपुर। नेक्स्ट है गांधी जी ने शिमला में प्रवास कब किया था? तो 1921 में। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज इज रिटन बाय डॉक्टर वाई एस परमार। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 55,673 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य कब बना? तो 25 जनवरी 1971 को जब इसे दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती? सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी। तो हिमाचल प्रदेश में झेलम नहीं बहती है ना, पीर पंजाल। नेक्स्ट इज ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना। नेक्स्ट इज प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स क्या कहलाती थी? तो ये शिवालिक जब आएगा तो आप मैनाक लिखोगे, ठीक है? शिवालिक और मैनाक बोलने में दोनों में कम समय लगता है। और जब धौलाधार आएगा तो उसके लिए मौलाक लिखोगे, जिनको दोनों को बोलने में टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है। क्लियर क्लियर। धौला रिलेटेड टू मौला एंड मैनाक इज रिलेटेड टू शिवालिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सतलुज हिमाचल प्रदेश में शिपकी किन्नौर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट इज मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत डैश नदी के किनारे हैं? तो ये आपके पार्वती नदी के किनारे हैं। दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा भीमा काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका सराहन में स्थित है। नेक्स्ट इज डॉक्टर वाई एस परमार वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ HP। तो ये आपको पता है क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर CM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्यास का उद्गम स्थल है? तो ब्यास का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो बड़ा शिगड़ी है। स्थानीय भाषा में हिमनद को शिगड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट इस चंबा जिले का संस्थापक कौन था? तो चंबा जिले की स्थापना ये की गई है मेरू वर्मन के द्वारा, मेरू वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक, ये आपका NH20 पे लाइक है। द सेशन वी ऑलमोस्ट डिस्कस 50+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ HP GK।
We'll continue our series like this. Thank you so much, students. Do like, share, and subscribe. Thank you so much. Have a nice time.